अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड से रिलेटेड अपना पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो पहले आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। तो पहले चैप्टर स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहेंगे फिजिक्स। अब इस चैप्टर में हमें फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांचेस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, हमने 50% or 60% फिजिक्स को ओवरव्यू करना है और स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे हमें इंटीग्रेटेड के तरीके से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज, ये भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेटर आफ्टर दिस लेक्चर। हमारा फोकस क्या होगा, जैसे हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे तो ब्रांचेस में भी हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कौन सी ब्रांच किस स्टडी के हवाले से। इसको डिटेल में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर एक टॉपिक या चैप्टर जब हम उसको डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर में जाएंगे। तो आ जाते वापस फिजिक्स। जब भी हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, तो वो हमसे हमें ये कहता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। लेकिन अगर हमें पास एमसीक्यू आ जाए फिजिक्स इज डिफाइंड एज, और उसका ए ऑप्शन हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बी ऑप्शन हो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, और सी ऑप्शन हो मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन, और डी ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज। तो हमें रटी रटाई डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, सी को टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, वो दो भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इस तरीके से कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो हमें मालूम होते हैं लेकिन हमें हाफ इंफॉर्मेशन मालूम होती है, हमने सिर्फ वो स्टेटमेंट पढ़ी होती है जो हमारी नजर से गुजरी है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जो है किसी भी स्टेटमेंट के बेसिस पर हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू होगा एंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स। तो जो चीजें मैंने अभी बताई है वो लिख लेते हैं हम। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आपकी आ जाती है फिजिक्स की। अब ये अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे तो आप उसको ऑल ऑफ दिस कह सकते हो। तो आ जाते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में हम जो फोकस करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं मैटर। हम पहले मैटर को डिस्कस करते हैं। अगर मैटर को डिफाइन करने पे आए तो मैटर क्या है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास और
वेट। तो अगर हम कहें कि एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस का मकसद है, ये जो मार्कर है ये भी मैटर है क्योंकि ये एक्यूपाई करता है स्पेस। स्पेस रिलेट करते हैं हम वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर फिजिकल क्वांटिटी से लेंथ विड्थ इनटू हाइट, या फिर हम अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है तो इसके एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ कर्व सरफेस इनटू लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम। तो एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस, स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम, स्पेस स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम। स्पेस रिलेट्स टू वॉल्यूम, मास क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड मास। इसका मकसद यह है कि आपके जो गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, प्लाज्मा है, दीज ऑल फोर स्टेट्स ऑफ अ मैटर। अगर कोई आपसे कहे एयर, तो एयर भी आपकी क्या है, मैटर है क्योंकि एक्यूपाई करती है स्पेस और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब आ जाते हैं इनमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसको डेंसिटी वाइज, हम चेक करते हैं कौन सा मैटर, किस मैटर की ज्यादा डेंसिटी है, किस ऑब्जेक्ट की ज्यादा डेंसिटी है, किस सब्सटेंस की ज्यादा डेंसिटी है एज कंपेयर टू अदर। अब मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक आयरन स्फीयर है, आयरन स्फीयर ऑफ 10 kg, इसका मास जो है वो 10 kg है, ये है आपका आयरन स्फीयर, ये मैंने एक शेप बना दी है। दूसरा शेप एक पैकेट है, क्यूबिक पैकेट है जिसमें 10 kg का कॉटन, कपास, सीम, एक बोरी है वीट की और ये भी 10 kg, तो अब हमसे कोई पूछे तो इन तीनों में से, हमसे कोई पूछे इन तीनों में से किसकी डेंसिटी हाई है, तो हम आसानी से निकालेंगे डेंसिटी, हमें जो हमने पढ़ा है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपका है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम चेक करते हैं, मास तो सबका सेम है, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, ये भी 10 kg, वॉल्यूम चेक करते हैं इस ऑब्जेक्ट का, यानी आयरन स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, तो डेंसिटी के फार्मूले के हिसाब से मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास से सेम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा, जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा, जिस सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो उस हिसाब से इस आयरन स्फीयर की डेंसिटी हाई होगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये आपका एक एमसीक्यू हो जाता है, तो इस तरीके से काफी आप एमसीक्यू निकाल सकते हो। तो मैटर क्या है, एनीथिंग एक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। अब आ जाते हैं एक और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एनर्जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं आपको, अगर ये हमें मालूम है तो हमारे लिए फिजिक्स को पढ़ना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी। अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई एनर्जी को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करें, तो अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। Ability of doing work is called energy. लेकिन इसमें हमें एक complete information उस सेंस में नहीं मिलती, यानी हमने हमारे पास हमारे बच्चे के दिमाग में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव करता है और जब मूव करता है फिजिकली मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो तभी ही वर्क डन होगा और जब वर्क डन होगा तो तभी ही एनर्जी वो पोजेस करेगा, ऐसा नहीं है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब भी वो पोजेस करता है एनर्जी। इसकी मैं वजह बता देता हूँ भाई, एनर्जी की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है एक्चुअल वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनर्जी की एक्चुअल स्टेटमेंट, एनर्जी इज द सोर्स ऑफ अ बॉडी और मैटर विच प्रोड्यूसेस चेंज। यहां मैंने डिस्कस किया है चेंज, तो जो हम फिजिकली डिस्कस कर रहे थे भाई वर्क डन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को फिजिकली हमारे दिमाग में बात आती है कि फिजिकली जो है वो ऑब्जेक्ट मूव होता है तो हम तभी कहते हैं कि इस पर फोर्स अप्लाई हुई है, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ उस ऑब्जेक्ट पर और उस एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। ये भी हो सकता है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, एनर्जी इज द सोर्स ऑफ अ बॉडी और मैटर विच प्रोड्यूसेस चेंज। अगर मिसाल तौर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम धूप में रख लेते हैं तो कंटिन्यूसली लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट रेस की फॉर्म में हीट एनर्जी जो है उसके अंदर इंटर हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इट बिकम्स हॉट वंस इट एब्जॉर्ब्स हीट, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी चेंजिंग इक्वर्स हो रही है तो इट पजेस एनर्जी। तो यहां पर हमें एक आइडिया आ गया कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो फिजिकली अगर कहें कि तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और फिजिकली हम ये भी कह सकते हैं कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी जीरो है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एनर्जी ही नहीं है, उसमें एनर्जी है, उसकी इंटरनल एनर्जी अपनी होगी तो वो बॉडी पजेस करेगी एनर्जी। तो एक और एमसीक्यू आपका सॉल्व हो सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इन चारों में से कौन सी चीज वो पजेस करेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स जिसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, एंड द थर्ड एंड फोर्थ वन एनर्जी, तो उसका आंसर होगा एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी होगी, इंटरनल एनर्जी। तो आ जाते वापस, तो एनर्जी इज द सोर्स ऑफ अ बॉडी और मैटर विच प्रोड्यूसेस चेंज। अब यहां पर आ जाते हैं देयर इंटरेक्शन पर आ जाते हैं। अब हमारा फोकस होगा इंटरेक्शन, यह है पूरी फिजिक्स। तो यहां पर हम जब बात कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो पजेस कर रहा है अपनी एनर्जी। अब सोचो अगर वो फिजिकली मूव करे विद अ सर्टन वेलोसिटी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम रेस्ट, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और यकीनन उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फिजिकली वर्क डन हुआ क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजिशन चेंज की है जैसे ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो वर्क डन हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी हुई है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को रिलेट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो पजेस कर रहा है इंटरनल एनर्जी, अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन जब वो मूव करेगा विद सर्टन वेलोसिटी
बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स टू डू मैकेनिकल वर्क, तो काइनेटिक एनर्जी भी वो प्लस करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी में जो कि चेंज अकियर हुए क्योंकि चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो हम उन दोनों एनर्जीज को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ तो एनर्जी जो है इंक्रीज होती है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस हुई काइनेटिक एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब एक साइंटिस्ट था मशहूर जमाना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, 1905 में इन्होंने एक रिलेशनशिप दी थी E=mc² स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने कहा था कि वो पार्टिकल, मैंने लव्स यूज किया पार्टिकल, यानी पार्टिकल से मुराद वो बॉडी जिसका मास बहुत ही लो हो, बहुत ही लो हो, यानी 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg इलेक्ट्रॉन, 1.67 × 10⁻²⁻²⁷ kg प्रोटॉन, इक्विवेलेंट 1.67 × 10⁻²⁷⁷ kg न्यूट्रॉन, ये मासेस ऑफ अ पार्टिकल्स है। और मास ऑफ अ फोटॉन, ये बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल है। अब सोचो ये जब मूव करेंगे विथ वेलोसिटी रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी इसकी वेलोसिटी बहुत हाई है और इनके मासेस बहुत लो हो, जब इस किस्म के ऑब्जेक्ट या इस किस्म के पार्टिकल्स जब जिनका मासेस बहुत लो हो और वो मूव करे हाई वेलोसिटी के साथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज भी हो गई और उनका मास जो है वो भी इंक्रीज होगा, और वो मास जो इंक्रीज होगा एनर्जी के इंक्रीज होने से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इनटू मास, और मास इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो बॉडी पजेस कर रहा है एनर्जी, और वो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी के इंक्रीज होने से इनका मास भी इंक्रीज हो रहा है, और उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, उस मास को हम एक्चुअल मास नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन का क्या है, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg, लेकिन अगर वो मूव करता है किसी फास्ट वेलोसिटी के साथ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास इंक्रीज होगा। अब उसका जो मास इंक्रीज होगा वो फिर अब वो 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा। अब वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, उस मास को हम एक्चुअल मास नहीं कहेंगे। तो ये हमने मास यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैटर को एनर्जी के साथ इंटरैक्ट किया है। तो ये आपने तीन वर्ड्स को मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझा दिया, भाई मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, एंड देयर इंटरेक्शन। पूरी आपकी जो फिजिक्स है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू फिजिक्स। तो अब हम उनको करैक्टराइज कर रहे हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं इनटू टू मेन ब्रांचेस। तो आ जाते हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन ब्रांचेस। फर्स्ट वन क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड वन मॉडर्न फिजिक्स जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने कुछ फिजिक्स डिस्कस किए, जैसे कि एंशियंट एरा में हमने फिजिक्स को डिस्कस किया। अब मैं एंशियंट एरा के बारे में बता देता हूं, भाई एंशियंट एरा में बेसिक थ्योरी ये दी गई थी कि मैटर एंड एनर्जी बोथ आर कंसीडर्ड टू बी सेम, विच वाज प्रूव टू बी रॉन्ग, जिसके आगे और डिस्कस किया गया था। और फिर हम इस्लामिक एराज में आ गए, और इस्लामिक एराज में हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो कि हम आगे जाके इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, यानी इस लेक्चर के बाद भी डिस्कस करेंगे। आपके इब्ने अल हैशम हो गया, अल बेरुनी हो गया, उन्होंने अपने अंदाज में फिजिक्स को डिस्कस किया, अपनी लाज अपनी थ्योरीज पेश की, और उसके बाद न्यू अवेकनिंग ऑफ फिजिक्स एक एरा आया जिसमें हमने
मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस किया। तो हम अभी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। अब हम इसको क्लासिकल फिजिक्स क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, इसकी वजह ये, पहले तो ये इस फिजिक्स को डिस्कस किया गया है बिफोर 1890 एडी। कुछ बुक्स में 1900 एडी भी लिखा हुआ, बिफोर 1800 एडी। अब बिफोर 1800 एडी आपके लॉज ऑफ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स लॉज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, साउंड, ऑप्टिक्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी लॉज थ्योरीज डिस्कस की गई थी बिफोर 1890, उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसको हम न्यूटनियन फिजिक्स भी कहते हैं। अब इसका मैं रीजन बता देता हूं क्यों कहते हैं इसको न्यूटनियन फिजिक्स। इस फिजिक्स में हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, या उस फिजिक्स में उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया गया था फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट, आइज़ैक न्यूटन, गैलीलियन, केपलर, जितने भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कस किया था थ्योरीज को, लॉज को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रेटर मास। भाई इसकी कोई लिमिट तो होगी, क्योंकि थोड़ी देर मैंने पहले कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था जिसका मास बहुत ही कम था, यानी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। आप उसमें 9.10^-31 केजी है, बहुत कम मास है। यहां पर ऐसा नहीं है, हम फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जैसे कि चेयर, जैसे कि मार्कर, इसका मास, इसका साइज हम फिजिकल देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस के थ्रू हम मास मालूम कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल लाइटर ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उनको हम देख ही नहीं सकते। उनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, उनको देखने के लिए, पार्टिकल्स हो गए, उनको देखने के लिए मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो हम उसका मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको मास कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट, जो फिजिकल हम देख सकते हैं किस ऑब्जेक्ट को। तो वो या तो वो लार्ज इन साइज है, हम उसको देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा, मैक्रो। अब मैक्रो साइज है उसकी, यानी साइज उसकी अच्छी खासी है, और उसका मास जो है वो केजीज में हो, एटलीस्ट ग्राम्स में हो, और वो मूव करें, इंपॉर्टेंट बात, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेटर मास मूव्स विथ लोअर स्पीड, तो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल यानी थ्योरीज वर डिस्कस्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which is large in size, having greater mass, and move with very lower speed, बहुत ही low speed है, तो हम उसका momentum निकाल सकते हैं, हम उसकी velocity के जरिए उसकी acceleration निकाल सकते हैं, हम ये बता सकते हैं उस पर कितना external force लगा है, हम ये बता सकते हैं कि physically इसने कितना work done किया और कितनी वो kinetic energy possess करता है, हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट हम जज कर सके, एटलीस्ट वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आए, लार्ज इन साइज हो,
मास उसका ग्रेटर हो और उसकी स्पीड लो हो तो हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे लिए एक्यूरेसी, हम मोमेंटम भी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेट। लेकिन जब बात आ जाती है पार्टिकल्स की जिनका मास बहुत ही कम है और जो मूव करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए उसका मास निकालना, उसका सॉरी उसके लिए उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी एज वेल एज पोजिशन। तो हम एक्यूरेट मोमेंटम विथ एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। इस वजह से हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस फिजिक्स को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आई होप आप लोगों को यह बड़ा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लार्ज क्लासिकल फिजिक्स का और मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, एक तो ये आफ्टर एडी 1800 एडी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, थ्योरीज लॉज डिस्कस बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें आ जाते हैं भाई, हेनरी बेकरल आ जाता है इसमें, इसमें आपका मैक्स प्लांक आ जाता है, इसमें आपका वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, न्यूटन को कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो जितने जिन्होंने ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये डिस्कस किए थे लॉज और थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन वेरी लो साइज, लो या लोअर साइज ऑब्जेक्ट ऑफ वेरी लो मास ऑफ वेरी लो मास मूव विथ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। That physics is said to be modern physics. इसको हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स भी, क्योंकि इसमें फोटॉन्स इन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं भाई। लाइट एनर्जी या रेडिएशंस जो है, जो भी आपकी है वो पजेस करता है, वो इज इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स जिसको हम कहते हैं क्वांटास, फोटॉन्स, और वो डिस्कस किया था मैक्स प्लांक ने। तो इस वजह से हम इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो बड़ा बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में उन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया गया था जिनका साइज ज्यादा हो, मास हाई हो, स्पीड कम हो, और मॉडर्न फिजिक्स में उन पार्टिकल्स को या उन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था जिनका साइज बहुत लो हो, जिसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज करना पड़े, लो मास हो और उसकी स्पीड बहुत हाई हो कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस आ गया क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। ब्रांचेस रहती हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।